हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून में। दोस्तों, आज का सुबह सुबह का ब्लॉग मेरे देवरानी के साथ हो रहा है, वो भी किचन में। आप लोग देख ही सकते हैं किचन में बेचारी सुबह सुबह। इसके तुम ही बता दो सुषमा। आज मैं अपनी जेठ जी के लिए मैगी बनाने आई हूँ। नाश्ता तो वैसे बना लिया, रोटी सब्जी सब बनाई थी। अब वो महाशय को मन है कि मैगी खाएंगे, वो भी नई बहू के हाथ का, तो ये बेचारी आई। तो मैंने चलो मैं थोड़ा बहुत मेहनत मतलब हेल्प कर देती हूँ, तो वही बाकी ये बनाएगी कैसे आप लोग भी देखिए। एंड खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए हमारी नई बहू को भी। उसका इंस्टा आईडी है बता दो, रोहित डॉट सुषमा। अच्छा, यूट्यूब पे भी चैनल है ना? हाँ, यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पर आई थिंक नहीं डाली है वीडियो अभी। नहीं, अभी नहीं डाली, अभी सिर्फ इंस्टा पे ही है। हाँ, तो आप लोग हमारा रील्स भी आज बहुत सारा बनाएंगे, तो आप लोग जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मस्त मस्त देवरानी जेठानी वाला रील्स हम लोग शूट किया है। इधर पानी बॉयल होने लगा है, देखो। तो दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है मस्त मैगी। एंड आई थिंक आज खाना में वो बनेगा, है ना भैया? मतलब खिचड़ी बनेगा, क्योंकि आज शनिवार है तो खिचड़ी खाया जाता है। मस्त ये भी बनेगा और नई बहू खिचड़ी भी बनाएगी, मूंग दाल का खिचड़ी। तो सारा सामान निकाल के ननद जी दे दे रही हैं, बनाइए भाभी। भाभी क्या आज का खाना खाएंगे? अच्छा लगता है। सुषमा का मेहंदी अभी भी है, इतना मस्त लग रहा है देखने में। एकदम धीरे धीरे, ज़्यादा साबुन वाबुन लगा के रगड़ना मत, जितना दिन रहे तो छूट गया। हाँ, उधर का तो कपड़ा वपड़ा धोने में कोयला हो गया। मेरा भी देखिए ना, छूट ही गया थोड़ा बहुत है। इधर का तो मैं रगड़ रगड़ कर छुड़ा दी अभी वो कुछ। और इधर ये दोनों महाशय बैठ के फ़ोन चला रहे हैं आराम से। देखिए क्या इन लोग का मतलब जिंदगी है, बीवी खाना बनाए, ये आराम से फ़ोन चलाएंगे। फ़ोन तो आराम से चला ही रहा हूँ, वीडियो यहाँ डालो वहाँ डालो, तुमसे तो होगा नहीं भाई, कुछ नहीं करती है। और ये हमारे दूल्हे राजा, इनको भी बोलिए थोड़ा, ये बहुत शर्मा रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे। बेचारी सुषमा को अकेले छोड़ दिया है, तुम ही बनाओ। ये कहते हैं कि मैंने कैमरा पकड़ रहा हूँ, तुम वीडियो बना। अच्छा, ये थोड़ा शाई नेचर के हमको लगता है ना बाबू, इनको शर्म आता है। पहले बनाता था शादी के पहले वीडियो। नहीं नहीं बनाता, अपना खोल खोल के वीडियो बना, मैंने देखा है। तो बॉडी वॉडी बनाता था, जिम विम तो कहाँ देखी, तुम तो फॉलो नहीं की थी। नहीं, मैं इसका देखा हूँ ना रील्स। अच्छा, इसीलिए भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं बनाऊंगा, पहले बॉडी जाऊंगा जिम, उसके बाद मैंने कैमरा का एंगल। बाकी तिथि मैंने खुला रखा है, सोई हुई है, और अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बन चुका है सुषमा के द्वारा मैगी। मैं शूट करने में थोड़ा सा लेट हो गई, तब तक ये लोग फिनिश ही कर चुके हैं लगभग। इधर ये जेठ जी के, जेठ जी कैसा लग रहा है जो बनाया है? हाँ, मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा बना है। पंकज के बर्थडे का केक है, बहुत टेस्टी था, तो मैंने फिर से मांग के खाया। और देखिए आज ये भी ब्लू पहनी है, निशा भी ब्लू पहनी है। एक हौवी आंटी जी खाली ब्लू नहीं पहनी, लाल पहन कर आई है। ये मम्मी जी भी आई है, ये भी केक खा रही है। मैं कल नहीं आ सकी बर्थडे में, इसलिए आज। कोई बात नहीं, अभी केक खा के अभी गिफ्ट दे दीजिएगा, ठीक है? आप डबल डबल केक खाइए, तो डबल डबल गिफ्ट दीजिएगा। और अभी आंटी आई है, तो घर के भी ना, आंटी के भी घर जाना है हमको, तो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि आंटी के घर जाकर कैसा है। बहुत खूबसूरत घर है इनका, हालांकि ये मेरा सबसे पुराना घर है, बट अंकल चार भाई मतलब ये लोग हैं, चार गोत्री। तो ये आंटी अभी घर रहती है, ये पाकिस्तान में रहती है, ये भारत हो गया, और एक आंटी बीच में, वो कौन सा जगह थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसके लिए झगड़ा चल रहा है। बाकी उधर में सब कोई है, तो चलिए इन लोग को एंजॉय करने देते हैं, थोड़ा मैं भी मस्ती वस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है ना, कल घर चले जाना है। देखिए ये भाई साहब, देखो बाहर निकल चुके हैं सभी लोग, और ये रील शूट होगा अभी होली का, तो इसीलिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हैप्पी होली। हाँ, यहाँ पर खेल लो सब हैप्पी होली, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे, तो उससे पहले हम लोग होली भी खेल ले रहे हैं, कि मज़ा आ जाए क्या। हमको काला लगाइएगा, आप लोग अपने में लगाइए। मम्मी जी अपना दुपट्टा बचाते हुए, कृपया कोई हमको एक मुठा अबीर दे, किस पर लगेगा वो जाने। मुझे रील शूट कर रहा था, और ये लोग मेरे ऊपर ही डाल दिए, तितली को लगा दी।
अरे भाई ये रील शूट करते करते अब सब अब होली खेल ले रहे हैं भाई। चलो बढ़िया है। ये जी इतना जल्दी काची में पूछ लिए तो होली 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 इतना जल्दी काफी कपड़ा से अबे वो थी मैं जो उसके दांत साफ रहेगा अभी होली अभी होली अभी नया पतो के लिए होली खेल रहे हो एकदम मजा आएगा आपकी होली में लेकिन होली में तो ना रहेगा मैं इसलिए किसी को होली उसका लगा दे मत पूछो मत सदा मत पूछो सदा आज मजा आ रहा है खाना खाने में क्योंकि इतने दिन सब लोग पकवानी खा रहे थे क्या दीदी हाँ। तो आज जो खाना बना है वो सबसे डाइजेस्टेबल और सबसे मस्त खाना है और खाना बनाई है नई की बहुरिया और रिया तनी रिया दी तनी मुँह दिखाओ भाई साहब खा रही है देखिए एक छिपा लेके बैठी है इसलिए नहीं आ रही इधर और आज हमारी तितली भी खा रही है और आज तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे मौसी भी चली जाएगी हमारी तो नहीं है ज्यादा नहीं ये नानी कह लिया ना तो रखे खाने बहुत मस्त आएगा ओए मौसी कहना तू नानी काय कहती हो गलती से ना दोनों लगी मौसी लगी नानी लगी चाची के बड़ी तो नानी लगी आ अगर मम्मी वाला रिश्ता से रखू अपना सास तार एथी लगी मौसी लगी तो गाइस अभी मस्त होली वगैरह सब कुछ खेल वेल के हम लोग आ गए हैं ऊपर और क्या मस्त वेदर है भाई ये देखो कितना खुश है उधर से ट्रेन जाती है एकदम मस्त विंडो से दिखती है ट्रेन देख सकते हैं आप लोग वाह बहुत ही खूबसूरत लगता है कसैली का पेड़ यहाँ पे आंटी जी आई हुई है निशा के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके जानते हैं बहुत कुछ मिला वो सब आपको घर जाके दिखाएंगे लेकिन अभी दिखा रहे हैं आपको कि आंटी जी ने करा है सरप्राइज प्यारा सा गिफ्ट हाँ सब एक ही में आ गया तो हम लोग चाहते हैं कि आप आइए हमारी एनिवर्सरी में अरे हल्का दिखा दो अच्छा वाह तितली का ओ भाई तितली घर जाके दिखाएंगे बहुत खुश था इसमें बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप पहुंचिए बिहार या फिर कोलकाता तब मजा आएगा जब हम लोग कहीं घूमने चलेंगे सब कोई क्या यही घूमने वाला स्पॉट है जहाँ पे मम्मी जी रहती है ये भी बात सही है या तो हम लोग को ही आना पड़ेगा अब बहुत आसान भी है रात में चढ़ो सुबह सुबह आ जाओ और फिर आराम से निकलो अच्छा ठीक है जैसा होगा प्लान करेंगे जब आप फ्री हो जाएगा आपको तो टेंशन भी नहीं है आपके बच्चे बड़े हैं हमारा थोड़ा सा समझ सकते हैं बट आंटी जी बोली कि केदारनाथ चलेंगी लेकिन अब की बार नहीं ना कोई दिक्कत है वहाँ पर जाते छोटे छोटे बच्चा और वो लेकर नहीं गई दारक सरिता छोटे से बेटे को कितना छोटा था तभी लेके गई थी वो तो इतना बड़ा उसके साथ एक और औरत थी वो छोटा बच्चा लेके गई जाते हैं लोग ऐसे थोड़े कि नहीं जाते तितली चलेगी तुम चलेगी ऊपर में थोड़ा सा ना ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है चलो मजा आएगा हम लोग तो चलेंगे सब कुछ बाकी अभी हमें करना है पैकिंग वगैरह भी क्योंकि घर जाना है तो घर जाने के लिए पैकिंग भी करना होगा यहाँ पर देख ले सकते हैं ऑलमोस्ट और अभी एक आंटी की सहेली है उनके घर भी जाना है हम लोग आज ममता जी से मिलने के लिए तो वहाँ भी जाएंगे और कर लेते हैं पैकिंग वगैरह सारा कुछ ये देखो सत्यम का नाम भी लिखा हुआ है वाह आपके बेटे का नाम लिखा हुआ है उसी का कंपनी है क्या चलिए बहुत अच्छा गाइस अभी करनी है पैकिंग और आंटी जी तो चली गई बाकी अभी बहुत सारा काम है क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर हैं तो उसको सेट भी करना है और नींद भी मुझे भयानक आ रही है तो एनीवे इस प्यारे से ब्लॉग को कर देते हैं मिलते हैं आपसे अगले फ्रेश ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए कमेंट करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाय बाय।